हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके समक्ष हम फिर प्रस्तुत हुए हैं और ये बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि दोस्तों, आप लोगों को जो भ्रम में डाला जा रहा है कि 1 लाख वालों का या 50,000 वालों का पेमेंट शुरू हो गया है, तो दोस्तों आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे कि इस वक्त संगठनों में क्या चल रहा है और चर्चा करेंगे कि पल्स की जो सेवी वेबसाइट है उस पर क्या चल रहा है। दोस्तों, ये सब बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक की बात बाद में करेंगे, आज बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको छोटी सी इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिल सके, ये कोशिश हमारी रहेगी। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, 1 लाख और 50,000 वालों को पेमेंट शुरू हो गया है, ये बताने के लिए कि ये सब फालतू की अफवाहें हैं और ये ऐसी अफवाहें जो इस वक्त YouTube चैनलों पर भरमार ट्रैफिक इस वक्त जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में निवेशकों को गुमराह करने के लिए न जाने कितने ऐसे चैनल वाले हैं जो आपको इस तरीके की न्यूज़ देते हैं, और वास्तविकता क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोस्तों, अगर 1 लाख या 50,000 वालों का पैसा मिलना शुरू हो जाता तो ये जो संगठन इस वक्त आपके पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष नहीं करते। और आज जो ये संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों कि 8 साल में 2,500 और 5,000 वालों का जो प्रोसीजर चालू किया था, उस प्रोसीजर में निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है और धीमी गति से चलाया जा रहा है ये प्रोसीजर। और इसी संदर्भ में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे संगठन है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे ऐसे संगठन हैं जो पल्स निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन संगठनों में भी आपस में 36 का आंकड़ा चल रहा है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हर तरफ कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ YouTube वाले आपको सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और इधर संगठन वाले आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, अलग थलग अपनी अपनी ढपनी और अपना अपना राग गाने पर इस वक्त लगे हुए हैं दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर संघर्ष करने वाले या दोस्तों ये जो संगठन है ये इस वक्त इस तरीके से हैं जैसे कि एक अंधेरे कुएं में बहुत सारे केकड़े होते हैं, और केकड़े जो एक अंधेरे कुएं में हैं और वो ऊपर आने के लिए कोई अगर कोशिश करता है तो नीचे वाला केकड़ा उसकी पकड़ कर टांग घसीट लेता है। तो दोस्तों, ये कुएं के अंधेरे में जो पड़े हुए केकड़े हैं ये बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता दोस्तों? जब एक ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग घसीट लेता है। यही हालात इस वक्त संगठनों के हैं। और दोस्तों, अब तो सेवी विभाग की भी हेल्पलाइन पर आपके जो पल्स की जानकारी देते थे वो भी अन्य में डाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हम जब सेवी विभाग पर फोन लगा रहे थे परसों, तो हमने देखा कि हमारे पल्स की जानकारी के लिए एक दबाने की बजाय उन्होंने ये कहा अन्य जानकारी के लिए एक दबाएं और सहारा की जानकारी के लिए दो दबाएं। तो दोस्तों, आज पल्स निवेशकों के साथ जो परेशानियां खड़ी हैं, जो प्रॉब्लमें खड़ी हैं, वो हम जानते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी इस वक्त निवेशकों के सामने है। तो दोस्तों, इसी पर्पस में आज हमने ये वीडियो बनाई थी और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि आज संडे का दिन है और आज हम सेवी विभाग से बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत से निवेशकों का कहना यह है कि संडे के दिन की तरह आप बात के लिए बैठा है। तो दोस्तों, उन निवेशकों को हम बताना चाहते हैं कि सेबी की हेल्पलाइन संडे हो या मंडे हो, वो रेगुलर 48 घंटे आप लोगों के, सॉरी दोस्तों, 6 से सुबह 9 से 6 बजे तक आपके लिए सेवा में प्रस्तुत रहती है। उसमें कोई एतवार का या किसी दिन का कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनसे और स्पष्ट तौर से ये पूछेंगे कि आपने जो 2,500 या 5,000 वालों का प्रोसीजर चालू कराया उसकी आप
अपनी वेबसाइट पर लिस्ट क्यों नहीं दिखाते कि इन निवेशकों के पैसे मिल गए हैं, उनके नाम या उनकी कोई लिस्ट आज तक नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है सेबी वेबसाइट पर, और सीनियर लोग बात नहीं कर पाते, केवल हेल्पलाइन पर सीमित जानकारी के लिए जो ऑपरेटर बिठा रखे हैं बस उनसे लिमिट जानकारी मिलती है, सीमित जानकारी मिलती है, लिमिटेड जानकारी मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो हमें नंबर प्रोवाइड कराते हैं ये हेल्पलाइन वाले, वहाँ कोई हमारे फ़ोन उठाने को राजी नहीं है। दोस्तों ये तमाम बड़ी विडम्बना इस वक्त सेवी विभाग की हेल्पलाइन पर चल रही है। तो दोस्तों आज हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि अगर 1 लाख या 50 हज़ार वालों का पैसा मिलना चालू हो जाता तो इतनी बड़ी संघर्ष करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेवी विभाग से, और हो सकता है कि दोपहर तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट लेकर, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।